symbol as enabled. When auto light is activated, the headlamp will be turned on. This feature automatically operates the front wiper. जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने अपने चैनल का नाम बदल करके रख दिया है इंजन विद ईवीज। मैं हूं आपका होस्ट क्षितिज द्विवेदी। जैसा कि आप सामने देख सकते हो 2018 महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 और इसमें दो फीचर्स बड़े तगड़े देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो रेन सेंसिंग वाइपर है और दूसरा मिलता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प। आज के इस वीडियो में टेस्ट करेंगे इन दोनों फीचर्स को, ये फीचर्स काम आखिर कब करते हैं, साथ ही साथ इनका प्रैक्टिकल यूसेज भी आपको बताऊंगा कि ये आपको कब अच्छी तरीके से काम आने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो ये मेरा 2018 वाला मॉडल है और इसमें ना डेडिकेटेड बटन दिया है दोनों चीज़ों को चालू करने के लिए, लेकिन अब वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 में बटन्स नहीं आते हैं, अब आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम से ये ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये दो बटन्स हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास स्कॉर्पियो S11 गाड़ी है तो अगर आपने एक चीज उसमें नोटिस करी हो कि जो IRVM आते हैं वो विंड स्क्रीन माउंटेड आते हैं, यानी कि विंड स्क्रीन पे लगे हुए IRVMs आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आप S11 में देखोगे तो IRVM के जस्ट पीछे आपको ये वाला प्लास्टिक का ब्लैक हिस्सा दिखता है। ये क्या है? ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि उस सेंसर में यूज होते हैं जिसकी मदद से रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प काम करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो सेंसर, इसी पे सारी चीजें डिपेंड होती हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर की, है ना। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेंसर है, ओके, पूरा खेला इसी का है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों फीचर्स को टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूं। जैसे ही हमने रेन सेंसिंग वाइपर बटन ऑन किया, पहला इंडिकेशन इसमें आएगा और एक बार आपको वाइपर चल के बताएगा। अब मैंने ये बटन ऑन रहने दी है। इस टेस्ट के लिए मेरे पास ये बॉटल में पानी है, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इधर डालूंगा पानी। क्या वाइपर चला? नहीं चला। मैं इधर डालूंगा पानी। क्या वाइपर चला? नहीं चला। जैसे ही मैं ओम के पास पानी डालूंगा वैसे ही वाइपर चलेगा। सारा खेल उस सेंसर का है, जितने इंटेंसिटी से पानी उस सेंसर पे पड़ेगा बारिश के दौरान उसी इंटेंसिटी से वाइपर आपके चलेंगे। और S11 वेरिएंट जो है ना, जैसा कि इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर दिए गए हैं, तो वाइपर कंट्रोल अगर आप देखोगे ना तो इसमें ना इंटरवल वाला मोड नहीं दिया गया है। इसमें आपको हाई, लो, ऑफ और मिस्ट का बटन मिलता है। मिस्ट का मतलब है एक बार आपने जस्ट इसको टच किया और ये एक बार चल के बंद हो गया, लेकिन इंटरवल वाला बटन नहीं मिलता बिकॉज इसमें ऑटोमेटिक वाइपर देखने के लिए मिलता है। और ये वाइपर कब काम करेंगे ऑटो मोड पे? जब आपने यहाँ पानी डाला तब नहीं काम करेंगे, आपने यहाँ पानी डाला नहीं करेंगे, इवन आप वाइपर में भी डाल दोगे तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने सेंसर पे पानी डाला वैसे ही ये वाइपर काम करेंगे, ओके। और जिस तेजी से पानी बरसेगा उस तेजी से वाइपर चलेंगे, है ना। तो सारा खेल ना रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का इसी सेंसर का है। और दूसरा है ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाला बटन। अभी ये पूरे हेडलैम्प ऑन हो गए हैं बिकॉज थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास लाइट है ना सिंपेक्स की, इसको उस सेंसर पे दिखाऊंगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हो हेडलैम्प ऑन है, ये मैंने ऑन नहीं करे हैं कंट्रोल से, ये यहाँ पे जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाला बटन है ना उससे ये अभी जल रहे हैं। इस सेंसर पे रखता हूँ, ये देखिए, ये बंद हो गए, है ना। ये मैंने जब लाइट रखी तो ये हेडलैम्प बंद हो गए। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने हटाया, देखिए फिर से ऑन हो गए। अब मैं फिर से सेंसर पे लाइट देता हूँ तो ये देखिए बंद हो गए। तो ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प है
इस सेंसर से सब कुछ होता है, रेन सेंसिंग वाइपर भी काम करते हैं और इसी से आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी काम करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे आप गए, ओके, अब वहां बीच में टनल आ गई, अब आप हेडलैम्प जलाना भूल गए, तो उस टाइम पे स्कॉर्पियो आपके लिए टनल में हेडलैम्प जला के देगी, या आप कुछ ऐसी अंधेरी जगह गए और फिर आपको रोशनी में आना है, तो आपको ये मतलब झंझट नहीं आपके पास कि आपको हेडलैम्प एक बार ऑन करना है एक बार ऑफ करना है, अपने आप हेडलैम्प ऑन हो जाएंगे। अब मान लो सडनली बारिश होने लगी, थोड़े टाइम के लिए बारिश हुई, मतलब पूरे रास्ते बारिश नहीं हुई, थोड़े टाइम के लिए बारिश हुई, तो उस टाइम पे वाइपर अपने आप चालू हो जाएंगे, आपको ऑन करने की झंझट नहीं होगी और अपने हिसाब से वो इंटेंसिटी एडजस्ट कर लेते हैं कितने तेज चलना है हमको या कितने धीरे चलना है। बाकी आप बताओ कैसा लगा वीडियो, इंजन और ईवीज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग सो पेशेंसली एंड बाय बाय।